हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर जी मूवी के सीक्वल के अपडेट के बारे में। वेल, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस फिल्म के सीक्वल के बारे में काफी अपडेट्स दी है बीच बीच में, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर काफी अच्छा अपडेट आया है। और अपडेट ये है कि इस फिल्म के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर जून से। जी हाँ, फिलहाल तो अभी इसमें टाइम है, लेकिन कुछ तो ऑफिशियल अपडेट मिली जिससे हमें ये पता चलता है कि सच में इस फिल्म पर काम किया जा रहा है। खैर, ये सारी अपडेट दी है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स डीडी गार्डनर और जेरमी कैनलिन ने। इन दोनों ने ये सारी बात कन्फर्म की है वैरायटी वेबसाइट वालों के सामने, जहाँ पर उनसे इस फिल्म से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, लेकिन उन दोनों ने ज्यादा अपडेट नहीं दिए इस फिल्म से रिलेटेड, क्योंकि अब तक इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम खत्म नहीं हुआ है। और फिलहाल तो इस फिल्म की स्टोरी लिख रहे हैं डेनिस केली, जिन्होंने अब तक कोई भी फिल्मों की स्टोरी नहीं लिखी है, वो सिर्फ और सिर्फ टीवी शोज की ही स्टोरी लिखते हैं। यानी इस फिल्म की स्टोरी लिखने के लिए ड्वेन गॉर्डन को नहीं बुलाया जाएगा, और उनके साथ साथ दो और राइटर्स ने भी मदद की थी इस फिल्म की स्टोरी लिखने में। और आप सबको ये भी पता होगा कि वर्ल्ड वॉर जेड की नॉवल भी है से लिखा था मैक्स बुक्स ने, और अब उसी नॉवेल से थोड़ा आइडिया लेकर इस फिल्म के सीक्वल की स्टोरी लिखी जाएगी। और इसी के साथ साथ इस फिल्म के डायरेक्टर को भी चेंज कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट किया था मार्क फॉरेस्टर ने, लेकिन अब इसके सेकंड पार्ट को डायरेक्ट करेंगे डेविड फेंचर। तो सेकंड पार्ट के डायरेक्टर की चॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन राइटर पर मुझे फिलहाल तो अभी डाउट है कि वो इस फिल्म को सही से लिख पाएगा या नहीं। लेकिन ये भी बात कंफर्म कर दी गई है कि हमें इस फिल्म में ब्रैड पिट एज गैरी लाइन के रोल में फिर से नजर आएगी। तो उनके अलावा बाकी और कोई भी कास्टिंग को कंफर्म नहीं किया गया है। और अब यहाँ पर अंदाजा लगा ले कि ये फिल्म हमें कौन से ईयर में देखने मिलेगी, तो जवाब बिल्कुल सिंपल है कि ये फिल्म हमें 2020 के एंड में देखने मिलेगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो ये फिल्म चली जाएगी 2021 पर, क्योंकि ऑलरेडी इस फिल्म का प्रोडक्शन शुरू होगा जून के महीने से, यानी नेक्स्ट ईयर के हाफ मंथ निकल जाने के बाद। और फिर वो लोग इस फिल्म के प्रोडक्शन को उसी ईयर में खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद शुरू होगा इस फिल्म का VFX वर्क, जिसमें शायद 2020 के 4-5 महीने आराम से निकल जाएंगे। और फिर उसके बाद जाकर हमें देखने मिलेगा इस फिल्म का टीजर या फिर ट्रेलर। तो इतने लंबे प्रोसीजर में इतना टाइम तो लगेगा ही। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस फिल्म के सीक्वल को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो गए इस फिल्म के अपडेट को सुनने के बाद कि हमें डेफिनेटली इस फिल्म का सीक्वल देखने मिलेगा। तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।